वेलकम टू ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद संदीप यूट्यूब चैनल। कुश्ती सेमिनार सीएनटी वीआईपी वीएलसी हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। मैं तो खास करने का बकवास काम है, यहाँ लोगों को बुलाते होल्ला करते, दो सौ रुपए लेते। इससे अच्छा है कि मैं दो पांच लोगों की मीटिंग कर लू, रिजल्ट तो आ गया। यहाँ पे आने का फायदा क्या है? मैं उस उन लोगों में था, मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन उन लोगों में था जो सक्सेस सेमिनार का इन सबका विरोध करता था। और ना मैं खुद जाता था, ना मैं किसी को लेके जाता था, ना किसी को बोलता तुम जाओ। मैं 5-10 की टीम बनाता था, उन सबको भाग भाग के सपोर्ट करता था, और जैसे मैं उनको सपोर्ट करना बंद करता वो बंदे काम करना बंद करते थे। यार मेरे को समझ नहीं आता यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह शाम भागता हूँ, कमी कहाँ आ रही है? और जब बहुत कम टीम मेरी रह गई तो मैंने फाइनली अपने अपलाइन से बात करी, दिक्कत क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया दिक्कत ये है कि आप सक्सेस सेमिनार को इवेंट्स को ढंग से प्रमोट नहीं करते। मैं कैसे एक बात बताओ, मेरे दिमाग से इंटर मतलब अंतर ध्यान मैंने करा, मैं रात को दो तीन रात जागा और मैंने ये सोचा कि एक बात बताता रहूं। आप तो उस दिन आज जितने लोग आज मीटिंग में है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको मैसेज गया होगा लेकिन वो आज मीटिंग में नहीं आए। तो जो लोग मीटिंग में आए, मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी कैसे एक बात मुझे बताइए दिल से कि आज आप वेस्टेज में एक्टिवली काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्या आपने जब वेस्टेज ज्वाइन किया था तब से आप ऐसे काम करते थे? ईमानदारी से बोली ये सर, नो बिल्कुल ठीक कहा सर, नो। हम उतने सीरियस नहीं थे, हमें सीरियस किया गया। और सीरियस करने का फॉर्मूला क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सीरियस होने का, मैं तो लीड लगा रहा हूं, मैं ऐसे करके आवाज बात देगी। सीरियस होने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको ध्यान से सुनना। जब हम सबने वेस्टेज ज्वाइन करा तो जिस भी इंसान को आपको वेस्टेज में सीरियस करना है उसके तीन स्टेप है। क्या स्टेप है? थ्री स्टेप जो हमारे साथ हुए और आपके आपको भी उनके साथ करते हैं। पहला स्टेप इसको समझना, इसको कहते हैं तंदूर में नान को पकाना। क्या करना? तंदूर में नान को पकाना। तंदूर समझते हैं? तंदूर मतलब जिसमें नान पकता। नान कभी देखा आपने? नान कैसा होता है? नान होता है लोई होती है, ऐसे करते हैं इसको ऐसे तंदूर वाला और तंदूर में डाल देता है। देखा होगा आपने, नान तंदूर में डाल देता है। और जब वो तंदूर ऐसे करके लोई को तंदूर में डालता है तो अपना हाथ अंदर रखता है, बाहर निकाल देता है अपना हाथ। और पिछली बात है बाहर निकालता है क्योंकि अंदर रहेगा तो पकौड़ा बन जाएगा, हाथ तो बाहर निकाल देता है और ढकता है वो ढक्कन को। 5-10 सेकंड वेट करता है, तंदूर अपना काम करता है। और 5-10 सेकंड के बाद क्या होता है? वो ढक्कन खोलता है, तंदूर जो पिलपिला सा आता है पक के निकलता है, उस पर वो लोग घी लगाते हैं, चुपचाप खाते हैं। आया ना? यही करना है आपको, लोगों को तंदूर में डालना और नान बना के निकालना। जब भी किसी को ज्वाइन करवाओ, जब भी किसी को ज्वाइन करवाओ वेस्टेज में, तीन काम करना। बंदा आया कोई नया, उसको उसको पकड़ा इतना उसे इतना, उसको पकड़ा इससे तंदूर, तंदूरी तो है वो लोही क्या, वो तंदूर है, नया आदमी तंदूर है, वो तंदूर लोही है वो, तो उसको पकड़ा ऐसा करके सबसे पहले चिपका दो उसमें। किसमें? अपलाइन से मिलवाओ। किससे मिलवाना है? अपलाइन। और जब आप किसी को अपलाइन से मिलवाओगे तो क्या करना है, क्या होगा? और वो अपलाइन अपने जब चेक दिखाएगा तो क्या होगा? वो बंदा थोड़ा सीरियस हो जाएगा, फिर उसको पकड़ो, ऐसे दिलाओ पकड़ो और सीधे चिपका दो। कहां पर? सीएनटी में। कहां पर? सीएनटी जहां फ्री की मीटिंग होती। और जब 5, 10, 20, 50, 200 लोगों को वो देखेगा बंदा, तो वो बोलेगा अपने आप से कि साला इतने लोग क्या, इतने लोग कर रहे इस काम को। अपने आप से अंदर से बोलेगा सर वाक्य में कुछ तो बात है। फिर उसको बोल से डराओ साहब, इधर क्या बताइए, अगर आपको तंदूर में चुपकाना है, आपका आखिरी तंदूर बाकी है। बोलेगा कौन सा तंदूर है? बोलेगा वो सक्सेस सेमिनार नाम का तंदूर है, 200 रुपये निकालो। तो 200 रुपये निकाल देगा बंदा, तो उसको फंसे हुए पकड़ो यूं करके और सीधा चुपका दो सक्सेस सेमिनार, टक अंदर जाके बिठा दो आगे जाके। और स्टेज पे आया तरुण कनौजिया, वहां पे बत्ती चालू है, गेट सारे बंद है, तरुण कनौजिया उनको गर्म आ रहा है, अब बत्ती फेंक रहा है, आग लगा रहा है। और जब आधे घंटे डेढ़ घंटे बाद वो बंदा वहां से निकलेगा तो क्या होगा?
वो पूरा पक के निकलेगा, मतलब क्राउन वेक्टर बन के निकलेगा, हाँ या ना? यस और नो? हमारे साथ भी यही हुआ था जब हम वेस्टिज में थे ना सर, जब हम वेस्टिज में थे तो क्या हुआ था हमारे वेस्टिज में, हम पहले वेस्टिज में आए, हमारे प्लाइन ने उनको पकड़ा, पहले प्लाइन से मिलवाया, हमको चेक दिखाए, हम मोटिवेट हो गए, वाकई वैसा आता है। उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद हमको सीएनटी में ले गए, हम सीएनटी देख लिया हमने, अब भाई क्या भीड़ आ रही है, तो हम और मोटिवेट हो गए। उसके बाद कहा ले गए हमको, हमको ले गए सक्सेस बना रहे। उसके बाद तो हाँ तो पता ही नहीं चला, हम तो और पागल हो गए भाई, तो वाक्य में तीन दिन पर लाकर में गवा रहे। और जब हम सक्सेस बना में गए तो हम तो हिल गए भाई। और आपके साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, ईमानदारी से बोलो आप, हुआ था जो आपके साथ हुआ था वो भी करना है आपको। क्या करना है, तंदूर में लोगों को चुपकाना है, सिंपल। अगर आपकी 2000 लोगों की टीम है और सक्सेस सेमिनार में आपके सिर्फ 200 लोग आते हैं तो आपकी 2000 लोगों की टीम नहीं है, आपकी सिर्फ 200 लोगों की टीम है। अरे निकालो, अगर आपकी 100 लोगों की टीम है लब के नाम निकालो और देखो कि 100 में से आपके 10 लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं वो 10 लोग काम, इसलिए करते हैं क्योंकि उन 10 लोगों के साथ ही आपने तंदूर का पूरा प्रोसेस करा है। मतलब क्या, उसको क्लाइंट से मिलवाया है, उसको सीएनटी में भेजा है, उसको सक्सेस सेमिनार में लेके गए हो, तभी वो आदमी आज सीरियस है।